हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोरियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक 2021 मॉडल के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली इस थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक में पूरे दो मॉडल थे। लास्ट ईयर यानी 2020 में ये थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक रिलीज हुआ था। सेम मॉडल के लोग थोड़े चेंजेस करके अपग्रेडेड वर्जन को 2021 में फिर से लॉन्च करे थे। फिलहाल 2020 का मॉडल तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो 2020 मॉडल का अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस 2021 मॉडल का अनबॉक्सिंग करते हैं और इस मॉडल को 2020 मॉडल से कंपेयर करके डिफरेंसेस क्या है बात करते हैं, और फाइनली इस 2021 मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है पूरे डिटेल्स बात करते हैं। फर्स्ट इसका अनबॉक्सिंग करके इस बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या क्या थे देखते हैं। तो थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक 2021 मॉडल इसी तरह का बॉक्स में आता है। तो बॉक्स के ऊपर देखेगा तो ये डिवाइस जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है वो एप्लीकेशन का लिस्ट देखने के लिए मिलता है। इन एप्लीकेशन के अलावा और भी एप्लीकेशन को ये डिवाइस सपोर्ट करता है। यहाँ पर फाइव टीवी स्टिक सिंप्लीफाई यूर टीवी एक्सपीरियंस करके लिखा हुआ है। तो फाइव टीवी स्टिक दिखने में ऐसा रहता है और उसका रिमोट दिखने में ऐसा रहता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो रिमोट का डिजाइन में कंप्लीट चेंज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अमेजन करके लिखा हुआ है और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर प्रेसेंट आस्क अलेक्सा, इसका मतलब यह है कि इसका रिमोट का इस्तेमाल करके अलेक्सा वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। और यहाँ पर पावर और वॉल्यूम कंट्रोल्स करके लिखा हुआ है और ये डिवाइस डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है और फुल एचडी को सपोर्ट करता है और क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ आता है और ये ड्यूअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े अलेक्सा वॉइस कमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर इसका प्राइस आके 4999 करके लिखा हुआ है, बट अमेजन पे ये 3999 पे मिल जाता है। वही सेल में देखोगे तो और भी डिस्काउंट मिल जाता है। और बॉक्स की इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर वाट्स इंक्लूडेड और वाट्स नीडेड, हाई स्पीड इंटरनेट विथ वाईफाई, हाई डेफिनेशन टीवी विथ HDMI इनपुट करके लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स को ओपन करके बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या क्या थे देखते हैं। तो बॉक्स के अंदर यूजर मैनुअल और सेटअप गाइड देखने के लिए मिलता है। बाद में मेन यूनिट फाइव टीवी स्टिक देखने के लिए मिलता है, माइक्रो यूएसबी केबल पावर सप्लाई के लिए, तो बाद में रिमोट देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर HDMI एक्सटेंडर केबल एक देखने के लिए मिलता है। तो बाद में पावर एडाप्टर और दो ट्रिपल ए बैटरी देखने के लिए मिलते हैं। तो यह है थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक 2021 मॉडल। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो एक्सलेंट बिल्ड क्वालिटी है करके कह सकते हैं। अमेजन फाइव टीवी स्टिक का बिल्ड क्वालिटी हमेशा एक्सलेंट रहता है। तो यहाँ पर अमेजन स्माइली देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने के लिए मिलता है पावर सप्लाई के लिए और ये कंप्लीट मैट फिनिशिंग के साथ आता है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एक्सलेंट है करके कह सकते हैं। अब हम इस डिवाइस को 2020 मॉडल से कंपेयर करेंगे। ये जो है 2020 मॉडल है, ये 2021 मॉडल। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों के बीच में फिजिकली कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आता है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो डिवाइसेज भी देखने में सेम साइज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आता। बिल्ड क्वालिटी वाइज, डायमेंशन वाइज, ये दो डिवाइसेस सेम है। तो पुराने मॉडल और नए मॉडल में फिजिकली कुछ भी डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते। सिर्फ फिजिकल डिफरेंसेस ही नहीं, यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी सेम ही देखने के लिए मिलता है। मतलब 2020 के थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक में जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, सेम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन 2021 मॉडल में भी देखने के लिए मिलता है। लाइक ये नया मॉडल जो है 1.7 GHz ड्यूअल कोर प्रोसेसर के साथ आता है, 1 GB रैम के साथ आता है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, ब्लूटूथ वर्जन आके 5.0। सेम कॉन्फ़िगरेशन 2020 मॉडल में भी देखने के लिए मिलता है। अब हम इस रिमोट के बारे में बात करते हैं। ये नया मॉडल का रिमोट में काफी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम पुराने मॉडल के रिमोट से कंपेयर करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पर क्लियर से नजर आते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नया रिमोट में थोड़े एडिशनल बटन्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर 5 TB करके लिखा हुआ है, तो सेम टेक्स्ट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। बट बिल्ड क्वालिटी तो दोनों का सेम है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये रिमोट जो है ब्लूटूथ और IR रिमोट के जैसा भी काम करता है। तो ये रिमोट ब्लूटूथ फंक्शनलिटी का इस्तेमाल करके 5 TV स्टिक को कंट्रोल करेगा, IR फंक्शनलिटी का इस्तेमाल करके आपकी टीवी को कंट्रोल करेगा। मतलब सेम रिमोट का इस्तेमाल करके आपकी टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। टीवी को कंट्रोल करने के लिए भी थोड़े एडिशनल बटन देखने के लिए मिलते हैं इस रिमोट पर। अब हम इन बटन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पावर ऑन एंड ऑफ बटन देखने के लिए मिलता है। इस बटन का इस्तेमाल करके टीवी के पावर को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर अलेक्सा वॉइस बटन देखने के लिए मिलता है। इस बटन का इस्तेमाल करके अलेक्सा वॉइस कमांड देना होता है। और यहाँ पर नेविगेशन बटन देखने के लिए मिलते हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन और ओके बटन है ये। और यहाँ पर प्रीवियस बटन, होम बटन, मेनू बटन, रिवाइंड बटन, प्ले एंड पॉज बटन, फॉरवर्ड बटन और यहाँ पर म्यूट बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, ये तीन बटन जो है टीवी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर लाइव टीवी चैनल्स बटन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर चार एक्स्ट्रा बटन देखने के लिए मिलते हैं, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और अमेजन म्यूजिक के लिए डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिलते हैं। और ऐप्स के लिए भी एक डेडिकेटेड बटन देखने के लिए मिलता है। ये चार बटन जो है पुराने मॉडल में मिसिंग है। और ये लाइव टीवी चैनल्स बटन भी पुराने मॉडल में मिसिंग है, बट यहाँ पर यूट्यूब के लिए डेडिकेटेड बटन मिसिंग है। नॉर्मली आजकल आने वाले स्मार्ट टीवी रिमोट्स में देखेंगे तो
YouTube के लिए भी एडिशनल बटन देखने के लिए मिलता है, बट पता नहीं ये लोग वो बटन को क्यों मिस कर रहे थे। YouTube के लिए भी डेडिकेटेड बटन दिया गया तो अच्छा रहता था। ओवरऑल इस रिमोट के बारे में बात करेंगे तो रिमोट का बिल्ड क्वालिटी एक्सलेंट है और रिमोट दिखने में भी काफी अट्रैक्टिव है। अब हम इस डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करके सेटअप करके होम स्क्रीन पे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं सेटअप कंप्लीट कर दिया। ये थर्ड जन फायर टीवी स्टिक नया यूजर इंटरफेस के साथ आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस नए यूजर इंटरफेस को। तो यहाँ पर मैं सेटअप प्रोसेस और इस नया यूजर इंटरफेस के बारे में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि 2020 मॉडल अनबॉक्सिंग और रिव्यू करते वक्त ही उस वीडियो में सेटअप प्रोसेस और इस यूजर इंटरफेस के बारे में डिस्कस करे थे। अगर आपको इस यूजर इंटरफेस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर इस यूजर इंटरफेस के फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली तीन टैब्स देखने के लिए मिलते हैं, होम, फाइंड, लाइव। यहाँ पर रिसेंट टैब्स देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पर सेटिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। सेटिंग्स में जाकर चेक कर लेते हैं, सेटिंग्स, माई फायर टीवी। यहाँ पर अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर फायर टीवी वॉइस वर्जन आके 7.2.3.4 करके दिखा रहा और फायर टीवी होम वर्जन आके 6311.085.1 करके दिखा रहा। और स्टोरेज के बारे में बात करेंगे तो आउट ऑफ 5.35 GB 3.61 GB अवेलेबल है। मैं ऑलरेडी थोड़े एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, एक्चुअल स्टोरेज आके 8 GB है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाने के बाद में 5.3 GB अवेलेबल रहता है। अब हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ पर नया यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे तो काफी स्मूथ है करके कह सकते हैं और काफी रेस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह का लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो 2020 और 2020 मॉडल में सेम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है रिमोट, 2021 मॉडल जो है कंप्लीट नया रिमोट के साथ आता है। तो अब हम इस रिमोट को चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं पहला कहा, इस रिमोट का इस्तेमाल करके फाइव टीवी स्टिक के साथ अपनी टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम पावर बटन को चेक कर लेते हैं। पावर बटन का इस्तेमाल करके टीवी को पावर ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी पावर ऑफ हो गया। फिर से मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी पावर ऑन हो गया। तो यहाँ पर म्यूट बटन देखने के लिए मिलता है, इस बटन का इस्तेमाल करके टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं म्यूट बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी का वॉल्यूम म्यूट हो गया और ये वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करके टीवी के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वॉल्यूम अप बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस कर रहा हूँ, टीवी का वॉल्यूम जो है कम हो रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टीवी के रिलेटेड बटन मतलब पावर और म्यूट बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन ठीक से ही काम कर रहे हैं। ये बटन आके लाइव टीवी चैनल्स बटन है, इस बटन को प्रेस करने पर लाइव टीवी चैनल्स पूरे देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर प्रेस करने पर लाइव टैब ओपन हो जाएगा। जो भी लाइव टीवी चैनल्स OTT ऐप्स में अवेलेबल है वो पूरे चैनल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, बट उसके लिए उस OTT ऐप में लॉगिन करना होगा और उस OTT ऐप का सब्सक्रिप्शन रहना भी जरूरी है। फिर से होम स्क्रीन को आ जाते हैं। अब हम इन चार डेडिकेटेड बटन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं प्राइम वीडियो बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम वीडियो ओपन हो गया। अब मैं नेटफ्लिक्स बटन प्रेस कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स ओपन हो गया। और यहाँ पर अमेजन म्यूजिक बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेजन म्यूजिक ओपन हो गया। अब हम इस ऐप्स बटन प्रेस करते हैं, इस बटन को प्रेस करने पर जो भी एप्लीकेशंस इस फाइव टीवी स्टिक में इंस्टॉल्ड है वो पूरे एप्लीकेशंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस रिमोट में ये पूरे बटन्स ठीक से ही काम कर रहे हैं। जैसा मैं पहला कहा यहाँ पर यूट्यूब बटन मिसिंग है, वो बटन भी दिया गया तो अच्छा रहता था, डायरेक्टली यूट्यूब को लॉन्च कर सकते हैं। और ये रिमोट एलेक्सा वॉइस कमेंट्स को भी सपोर्ट करता है, मतलब इस रिमोट को इस्तेमाल करके एलेक्सा वॉइस कमेंट्स दे सकते हैं। तो एलेक्सा वॉइस कमेंट देने के लिए इस बटन प्रेस करके एलेक्सा वॉइस कमेंट देना होगा। तो यहाँ पर मैं इस बटन प्रेस कर रहा हूँ। How is the weather in Mumbai? In Mumbai, Maharashtra, it's with a high of 32 degrees and a low of 27 degrees. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेदर इन्फॉर्मेशन दिखा रहा। तो इन जनरल वॉइस कमेंट्स के अलावा एलेक्सा को वॉइस कमेंट्स देकर पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉइस कमेंट देकर नेटफ्लिक्स को ओपन करते हैं। ओपन नेटफ्लिक्स, क्लोज नेटफ्लिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स ओपन हो गया, क्लोज नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स जो है क्लोज हो गया। तो ओवरऑल बात करेंगे तो 2021 थर्ड जन अमेज़न फाइव टीवी का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा है करके कह सकते हैं। एक्चुअली देखा गया तो 2020 और 2021 मॉडल्स के बीच में परफॉर्मेंस में कुछ भी डिफरेंस नजर नहीं आया, क्योंकि ये दो मॉडल्स भी सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, सेम रैम के साथ आते हैं, सेम GPU के साथ आते हैं और ये डिवाइस जो है डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। बट उसके लिए आपके टीवी या साउंड सिस्टम डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करना जरूरी है और ये डिवाइस HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, उसके वजह से वीडियो क्वालिटी जो है काफी अच्छा रहता है। ओवरऑल इस नया डिवाइस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है करके कह सकते हैं। अगर हम 2020 और 2021 मॉडल के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ रिमोट में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 2021 मॉडल जो है कम्प्लीटली नया रिमोट के साथ आता है। तो अगर आप ऑलरेडी 2020 मॉडल खरीद चुके हो तो इस रिमोट को अलग से खरीद सकते हैं, बट इस रिमोट का प्राइस आगे 2000 रुपीज है, थोड़ा महंगा है करके कह सकते हैं। वही अगर आप पुराना मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नया मॉडल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो
इस 2021 थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक को खरीद सकते हैं। इस डिवाइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस लिंक इस्तेमाल करके परचेस कर सकते हैं। तो बस ये था 2021 थर्ड जन अमेजन फाइव टीवी स्टिक के बारे में। अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक्निकल वीडियोस का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।